Hello friends, good evening to all of you. आज के इस वीडियो में हम पिछले लेक्चर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैस्केड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। काफी इजी मेथड है स्पीड कंट्रोल करने का। तो किस तरीके से इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है वो देखते हैं। तो कैस्केड अरेंजमेंट क्या होता है और किस तरीके से स्पीड कंट्रोल होती है, देखिए, आप वीडियो में बने रहिए, काफी इजीली तरीके से हम इसको लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंडक्शन मोटर लेते हैं। सपोज ये इंडक्शन मोटर है और ये इसका रोटर है। इस इंडक्शन मोटर को एक थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये थ्री फेज सप्लाई मैंने इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करा दी, इसको मैंने लिख दिया थ्री फेज सप्लाई। लेट सपोज ये फेज है आर, ये है वाई और ये है बी। इस रोटर की शाफ्ट को एक दूसरी इंडक्शन मोटर के रोटर से कनेक्ट कर दिया, ये दूसरी इंडक्शन मोटर के रोटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया। और ये जो मैंने साइन बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल कपलिंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल कपलिंग को। तो ये मैकेनिकल कपलिंग है, मतलब शाफ्ट दोनों रोटर्स की कपल्ड है। नाउ हम क्या करते हैं, जो ये वाली इंडक्शन मोटर है इसको बोलते हैं मेन इंडक्शन मोटर, मेन इंडक्शन मोटर, जबकि इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर। जो मेन इंडक्शन मोटर होती है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। तो ये इसकी स्लिप रिंग्स है जो मैंने बना दी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसलिए इसकी थ्री स्लिप रिंग्स हो गई। और इन थ्री स्लिप रिंग्स से हम कनेक्शन बाहर की साइड ले लेते हैं। और ये जो आउटपुट पावर मिली यहां पर रोटर के थ्रू और स्लिप रिंग के थ्रू होते हुए रोटर से, उसको हम ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैंने ये ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को ये जो थ्री फेज पावर स्लिप रिंग के थ्रू रोटर से जो हमने निकाली उसको मैंने ये ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करा दी इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, यहां से हम पावर रोटर से पावर ड्रॉन कर रहे हैं स्लिप रिंग के थ्रू और वो ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट सपोज जो ये मेन इंडक्शन मोटर को हमने सप्लाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, और जो रोटर साफ पे या फिर रोटर सर्किट में जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको मैंने लिख दिया एफ आर, जो क्या होती है एस इंटू एफ। ये एस हमने मान लिया अब क्योंकि यहां पर एक मेन मोटर है और एक ऑक्सिलरी मोटर है, तो हमने इसकी जो स्लिप थी मेन मोटर की उसको बोल दिया एस वन, जबकि ऑक्सिलरी मोटर की स्लिप को बोल दिया एस टू। उसी तरीके से जो मेन मोटर को जो सप्लाई मिल रही है स्टेटर पे जो सप्लाई मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, लेकिन जो ऑक्सिलरी मोटर है उसके स्टेटर पे जो सप्लाई मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ आर। अब क्योंकि इसकी स्लिप को हमने एस वन इंडिकेट कर दिया इसलिए इसको भी एस वन लिख दिया। तो ये रोटर फ्रीक्वेंसी की सप्लाई किसको मिल रही है, ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर को, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख दिया एफ आर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब यहां से बताइए मुझे जो मेन मोटर होगी उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, एन एस वन। इसकी सिंक्रोनस स्पीड को हमने बोल दिया एन एस टू और इसकी सिंक्रोनस स्पीड को बोल दिया एन एस वन। इसके रोटर की स्पीड को बोल दिया एन वन और इसकी रोटर की स्पीड को बोल दिया एन टू। ऑक्सिलरी मोटर के स्पीड को रोटर की स्पीड को बोल दिया एन टू, जबकि जो मेन मोटर है उसकी स्पीड को बोल दिया एन वन। अब NS1 क्या होगा, NS1 का जो फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है 120 F अपॉन P। अब यहां पर P कौन से, P1। इसमें लेट सपोज नंबर ऑफ पोल्स P1 है जबकि ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर में पोल्स की वैल्यू P2 है।
तो 120 एफ अपॉन पी। इधर ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, एन एस टू इज इक्वल टू 120 एफ आर डिवाइड बाई पी टू। इसी फॉर्मूला से हमने पढ़ा एक स्लिप का फॉर्मूला होता है, इधर देखिए साइड में स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल रोटर स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड। इसी फॉर्मूले से अगर हम एक्चुअल स्पीड निकालना चाहें तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस वन माइनस एस। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम दोनों की स्पीड लिखेंगे, तो एन वन क्या होगी, एन वन इज इक्वल टू एन एस की जगह एन एस वन और वन माइनस एस वन। इस मेन मोटर की स्लिप एस वन है और ऑक्सिलरी मोटर की स्लिप एस टू है, जैसा यहां पर इंडिकेट कर रहा है एस वन और ये एस टू। तो ऑक्सिलरी मोटर की स्पीड कितनी होगी, एन टू इज इक्वल टू एन एस टू वन माइनस एस टू। एन एस टू की अगर यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो 120, एफ आर की वैल्यू क्या होगी, एफ आर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, एफ आर इज इक्वल टू क्या है, एफ आर इज इक्वल टू एस वन एफ, तो एस वन एफ डिवाइड बाय पी टू इंटू वन माइनस एस टू। सिमिलरली यहां पर भी एन वन इज इक्वल टू एन एस वन की वैल्यू रख दो, यहां से 120 एफ अपॉन पी वन वन माइनस एस वन। अब आपके पास एक स्पीड आ गई, मेन मोटर की स्पीड आ गई एन वन और ऑक्सिलरी मोटर की स्पीड आ गई एन टू। लेकिन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहां पर कि दोनों मोटर्स क्या हो रही है, एक हिसाब से कपल्ड हो रही है, एक हिसाब से कपल्ड हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों की स्पीड सेम रहने वाली है। अगर मैं किसी भी दो मोटर्स की शाफ्ट को एक साथ कपल्ड कर लूं, सपोज करो दिस वन इज द मेन मोटर शाफ्ट एंड दिस वन इज द ऑक्सिलरी मोटर शाफ्ट, देन अगर मैं इनको कपल्ड कर दूं तो ये किसी भी डायरेक्शन में घूमेगी, तो दोनों एक साथ घूमेगी। इसलिए क्या क्या मान लेंगे हम, एन वन इज इक्वल टू एन टू, एन वन इज इक्वल टू एन टू, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम ही होगी। अगर एन वन इज इक्वल टू एन टू होगा तो यहां से इन दोनों को आप आपस में इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं हम इसको, इसके लिए देखिए 120 एन वन क्या है, 120 एफ अपॉन पी वन वन माइनस एस वन, और इधर एन टू इज इक्वल टू 120 एस वन एफ अपॉन पी टू वन माइनस एस टू। यहां से क्या कैंसल आउट हो गया, यहां से 120 से 120 कैंसल आउट हो गया, एफ से एफ कैंसल आउट हो गया। अब देखिए ये 120 और f दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। आप क्या कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस एस वन डिवाइड बाई पी वन, और इधर क्या हो गया, एस वन 1 माइनस एस टू डिवाइड बाई पी टू। आप क्या कीजिए, इसको लिखो 1 माइनस एस वन, यहां इसको ओपन कर दीजिए, एस वन माइनस का एस वन एस टू डिवाइड बाई P2 और यहां पर डिवाइड बाई P1। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए S1 और S2 का मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में आया, S1 और S2 वैसे हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है वो बहुत कम होती है, जैसे 1% से भी कम होती है, तो 1% से भी कम स्लिप होती है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो वो बहुत कम वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, ताकि हमारी कैलकुलेशन और इजी आ जाए। तो इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, दिख रहा है क्या इधर, दिखने का, चलो मैं ये वाली कैलकुलेशन ऊपर कर देता हूं थोड़ा वापस, ये सब आपने देखा होगा, ये वाली कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं। यहां से मैंने लिखा 1 माइनस एस वन डिवाइड बाई पी वन इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, तो एस वन माइनस एस वन एस टू डिवाइड बाई पी टू। इस टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडक्शन मोटर की स्लिप आप सब जानते हैं कि स्लिप बहुत कम होती है, और जब दो लोवेस्ट क्वांटिटी पॉइंट्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उनकी वैल्यू और कम हो जाती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसका और कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वन अपॉन पी वन माइनस एस वन अपॉन पी वन इज इक्वल टू एस वन डिवाइड बाई P2। इस क्वांटिटी को इधर लेके चले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 1 अपॉन P1 इज इक्वल टू S1 अपॉन P1 प्लस S2 अपॉन P2। यहां से S1 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या,
ऊपर हो जाएगा P1 प्लस P2 सिंपल कैलकुलेशन डिवाइड बाय P1 P2 और इधर है 1 बाय P1। यहां से P1 से P1 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपके पास, अगर आप सिर्फ S1 की वैल्यू निकालना चाहें तो S1 की वैल्यू आ गई P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। तो हमने क्या एक सिंपल सा लॉजिक यूज करते हुए कि दोनों मशीन्स के शाफ्ट एक दूसरे से कनेक्ट है और जब शाफ्ट एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड है तो दोनों की स्पीड सेम रहेगी, दोनों की स्पीड को बराबर रखते हुए, दोनों की स्पीड को यहाँ पर N1 इज इक्वल टू N2 करते हुए हमने एक सिंपल एक्सप्रेशन निकाल लिया मेन मोटर की स्लिप S1 का, जो आया P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 मीन्स पोल्स की टर्म्स।